तो गाइस, क्या आपके घर में भी इतने छोटे बच्चे हैं जो काम बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं और इन्हें इस तरीके से गोद में लिए लिए घर का सारा काम करना पड़ता है? इतना मुश्किल हो जाता है काम करना, पर ये बच्चे हैं कि समझते ही नहीं है। इन्हें गोद में लिए लिए किचन का सारा काम, साफ सफाई सब करनी पड़ती है। समझ नहीं आता काम कैसे करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ गोद में ये रहते हैं और एक हाथ से हमें काम करना पड़ता है। मैंने इसको वॉकर में डाला था कि वॉकर में ये थोड़ी देर खेलेगा तो मैं काम कर लूँगी, लेकिन ये बच्चे हैं कि अगर माएँ काम कर रही हों तो ये वॉकर में भी नहीं खेलेंगे। इन्हें पता है, वैसे ही खेलते रहेंगे, वैसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने काम करना शुरू कर दिया और हम सोचे कि अब ये बच्चे खेल लें तो मज़ा लेंगे बच्चे खेल लें, फिर तो ये बिल्कुल नहीं खेलेंगे। फिर तो ये वॉकर में भी नहीं बैठेंगे और ना ही ये खेलेंगे। फिर इनका रोना शुरू हो जाता है कि हम इन्हें गोद में ले लें। बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना बच्चों के साथ में, और कुछ ना कुछ काम थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाता है इनके साथ में, और फिर सुनना पड़ता है कि कैसा काम किया है, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये सब फिर सुनना भी पड़ता है। बताओ एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल है। ये गोद में बच्चे को संभालो और एक हाथ से खाना बनाओ। आप बताना गाइस मुझे कि आप लोग ऐसे काम कर पाते हो कि एक गोद में इस तरीके से हमें बच्चे को पकड़ना है और एक हाथ से हमें काम भी करना है। आप लोगों के लिए सब कितना आसान और कितना मुश्किल होता है इस तरीके से काम करना, प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि वैसे तो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट बहुत आते हैं। कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। अच्छे लोग अच्छे कमेंट कर देते हैं, जिन्हें नहीं पसंद आता वो बेकार कमेंट भी कर देते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबको हंसकर ही रिस्पॉन्स करती हूँ, चाहे अच्छा करो। जो अच्छा करता है वो वेल एंड गुड है, और जो नहीं करता मैं उसको भी हंस के ही रिस्पॉन्स करती हूँ। बाकी जिसकी जैसी सोच है वो वैसा कमेंट कर देते हैं। पर जो भी कहो, बच्चों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टेढ़ी खीर है बच्चों के साथ काम कर पाना। मेरे भी दो बच्चे हैं, एक तो थोड़ा बड़ा है, 3.5 साल का है, तो वो फिलहाल अंदर टीवी देख रहा है, और एक ये हमारे छोटे नवाब है जो अभी होली पर 24 मार्च को 1 तारीख के हुए हैं। लेकिन इन्हें मम्मी की गोदी ही चाहिए, इनसे बैठा नहीं जाता अंदर। ये देखो, ओहो, ये किस तरीके से परेशान करता है, काम नहीं करने देता ये। बहुत मुश्किल है। ये रहा, नीचे नहीं बैठ रहा लाड साहब, गोद में लिए लिए काम करना पड़ रहा है ना। रो रहा है नीचे, वॉकर में भी रो रहा है, नीचे भी रो रहा है, क्या करूं। नहीं बैठा ना बेटा, वो वॉकर में भी नहीं बैठ रहा, रो रहा है। वो कह रहा है मम्मी की गोदी चाहिए है, हालांकि ये बोलता नहीं है अभी। या पापा बाबा ऐसे करता है बस अभी तो, पर बहुत परेशान कर देता है ये भी। बहुत मुश्किल हो जाती है इसके साथ में काम करना। अब मेरे चावल हो गए हैं, मुझे चावल का माड़ निकालना है, लेकिन इसके साथ में मैं चावल का माड़ कैसे निकालूं? एक गोद में लिए लिए उसको नीचे बिठाना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए इसे नीचे बिठा दूंगी ना, देखना कैसे हो जाएगा। इतनी जोर जोर से रोता है, बस थोड़े से मुझे भी बर्तन धोने थे,
बर्तन धो रही थी इतनी देर में तो उसने घर सर पे उठा लिया। इतना रोया फिर मुझे फटाफट से बर्तन धो करके पहले मुझे ये लाड साहब को अपनी गोद में लेना पड़ा। अविंकी नोजी आ गई है, इसको जुकाम हो रहा है, अविंकी नोजी साफ करके आती हूँ मैं। क्या क्या करें बच्चों के साथ, बच्चे देखे, घर देखे, काम करें, कुछ समझ नहीं आता कुछ किस हाथ से काम करना होता है, किस हाथ से काम करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो गाइस मैं तो अपने बेटे के साथ में इसी तरीके से काम करती हूँ, बच्चों के साथ मैंने गोद में लिए लिए मुझे काम करना पड़ता है। आप लोग अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से काम करते हैं मुझे कमेंट करें, और कोई एडवाइस हो आपके पास में कि इन बच्चों को इस तरीके से रख के हम काम फटाफट निपटा सकते हैं कि बच्चे भी खेलते रहे हम काम भी कर लें, तो प्लीज़ मुझे कोई एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है इन बच्चों के साथ में काम करना। प्लीज़ Thank you.